क्योंकि तुमने राखी की राखी इनोसेंट लड़की है, इसीलिए उसकी अच्छाई का तुमने फायदा उठाया, उसकी अच्छाई का फायदा उठाया तुमने चंद पैसों के लिए। लेकिन हम लोग इंश्योर करेंगे कि तुमको तुम्हारे सही अंजाम तक। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि बोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ये सिख लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये सिख लोग ना, ये किसी से नहीं डरते, बहुत इंसानियत होती है ये सिख लोगों में, बहुत अच्छे होते हैं ये, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ, इसलिए इमोशनल हो रही हूँ कि ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये लोग डरते नहीं है किसी से। आज राखी सावंत अपने दिल की बात अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए नजर आई बहुत ही ज्यादा इमोशनल। राखी सावंत का कहना है कि मुझे रत्ते सिंह को समझने में बहुत देर हो गई। राखी सावंत का यह भी कहना था कि अच्छाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इंसान में नहीं होती, अच्छाई उस इंसान में होती है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और जिसमें इंसानियत मौजूद हो। राखी सावंत का यह भी कहना था कि रत्ते सिंह एक बहुत ही अच्छे इंसान है और रत्ते सिंह ने हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। राखी सावंत का यह भी कहना है कि पहले जो रत्ते सिंह को छोड़कर मैंने गलती की है, मुझे उस पर पछतावा है और आज मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रत्ते सिंह से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। राखी सावंत की बातें सुनने के बाद क्या आपको भी अच्छे इंसान और बुरे इंसान का फर्क नजर आया? मुझे नीचे कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।